क्यों? रीजन बताती हूँ। अरे ड्रिलिंग वाले चुप हो जा। मैंने वैसे भी बहुत ही पुराना शू यूज किया था क्योंकि मुझे अपनी कला पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। पूरे कमरे में गंदी बदबू रखी, लाइक लिटरली सड़ गया था पूरा। पैरों पे बहुत अच्छा लुक आता है। Hey guys, this is Ramya. Welcome back to my channel. So today's video is gonna be the first video of the series, this week's series, that is testing of the 5-minute craft hacks. So for today's video, I'm gonna be trying out bleach hacks from 5-minute craft. So let's just get started with that. And yeah, make sure that you like this video if you like it and subscribe bhi kar lena guys. And now without any further ado, let's get started. Okay guys, so before we jump into the testing, I really wanted to show you a chhotu sa quick sa product review jo main bahut maine aaj ke look ke liye use kiya hai. And aap log mujhse pooch rahe the maine kaun sa lipstick, kaun sa ye, kaun sa wo use kiya hai. To main sochega aapko quickly dikha do. Agar aapko nahi dekhna to you can directly jump into the testing of the viral hacks, but agar aap ye dekhna chahte hain so keep on watching. So guys, the first thing jo maine use kiya hai wo hai aaj ka eye look. Agar aapko clearly dikh raha ho तो इसमें मैंने टर्कोइश लुक यूज किया है एंड ब्लू लाइनर यूज किया है। ये जो मैंने जो ये ग्लिटर यूज किया है ये बहुत ही अच्छा ग्लिटर है गाइस, लाइक सीरियसली ये मैंने ऐसे लूज ग्लिटर्स, लूज तो क्या है, ये पिगमेंटेड है और क्या बोलते हैं प्रेस्ड ऑन ग्लिटर्स हैं, बट ये मैंने पहले भी यूज करे अलग अलग ब्रांड्स के, बट इतने अच्छे नहीं होते। बट ये वाला जो है वो बहुत ही डेंस और बहुत ही प्यारा ग्लिटर, मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। ये है एले गर्ल का और इसका नाम है ओ सो एक्स्ट्रा और ये टर्कोइश ग्लिटर है। मैंने सिर्फ एक बार उंगली से उठाया, एक बार पूरा लगाया एंड दैट्स इट। जो ये आपको इतना शिमर दिख रहा है वो सिर्फ इससे। अगर आपको ये चाहिए हो तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ब्लू लाइनर जो मैं बता रही हूँ वो है शुगर का और ये है इसका नाम है ब्लू वैलेंटाइन। ये है थोड़ा सा ब्लू सा लाइनर है, थोड़ा डार्किश ब्लू है, लाइट नहीं है। इसकी भी जो वो टिप है ना वो बहुत प्रिसाइस है, आई लव्ड इट बिकॉज इसकी टिप बहुत प्रिसाइस है। आपको लगाना और विंग बनाना बहुत ही आसान रहता है। आपको मैं सारों का क्लोजअप दिखा दूंगी ये कैसा है कैसा नहीं। देखिए कितना प्यारा है, लाइक इतना सा यूज करना है एंड जस्ट लुक एट दैट। That's how dense it is. छोटू सा आता है बट या स्टिल लाइनर बहुत ज़्यादा तो वैसे भी नहीं चाहिए होता है। एंड इसके ये इसकी टिप कुछ इस तरीके की है। बैक ऑफ द हैंड आपको दिखाऊँ तो जस्ट लुक एट दैट, कितना डार्क कलर, कितना डेंस है एक ही बार में। लुक एट दैट लाइट में। Okay, so the first hack is something like this, जिसमें उन्होंने basically एक t-shirt लिया है, एक foam paper लिया है and bleach लिया है। Bleach आपको मैं दिखा दूंगी कौन से यूज करना है, बट ब्लीच लिया है उसको वो डिप करते हैं ब्लीच में एंड वो अपने टी शर्ट में वो ट्रायंगुलर एक प्रिंट ले लेते हैं, बट यू कैन प्रिंट एनी थिंग। तो बेसिकली वैसे प्रिंट कर देते हैं एंड देयर कम्स अ गुड लुकिंग टी शर्ट। सो लेट्स जस्ट सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर मी। ओके गाइज, तो जो नेक्स्ट वाला हैक था, आई मीन ये वाला जो हैक था ये ज़्यादा नहीं चला। हमारी भी गलती हो सकती है और 5-minute crafts वालों की भी, बट हमने जैसा दिखाया वैसे किया, ठीक है, हम गलत नहीं थे, हमने जैसा करना था वैसे ही किया है। बट मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। तो एक सेकेंड, ये है रिजल्ट। और ये आपको दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, बट या दिस इज हाउ इट इज। बहुत ज्यादा नहीं आया, मैंने इसको लिटरली दो बार, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने लिटरली दो बार प्रेस किया, बट स्टिल कार्डबोर्ड से तो गाइस सीरियसली कुछ नहीं हुआ। तो मैंने इसलिए फोम ट्राई करा, तो फोम मैंने सोचा फोम से हो जाएगा क्योंकि उन्होंने फोम यूज किया, बट फोम से भी कुछ नहीं हुआ और ये प्रॉपर कॉटन है, कॉटन टी शर्ट है, स्टिल इट डिड नॉट वर्क रियली वेल। ब्लीच की गलती है क्या, बट स्टिल आई थिंक इट लुक्स प्रीटी क्यूट। क्यों? रीजन बताती हूँ। अरे ड्रिलिंग वाले चुप हो जा। जज मत करो पहले से ही, मैं रीजन बताती क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ब्लीच्ड लुक आता भी तो शायद मुझे टी शर्ट इतना नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो प्रिंट बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं भर भर के आता, बट बिकॉज इसमें बहुत हल्का और डिसेंट सा ब्लर्ड आउट इफेक्ट है तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और काफी प्यारा सा लुक दे रहा है। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा, बट आई एम गोना रेट इट लाइक अबाउट, उनकी टेक्निक के हिसाब से आई एम गोना रेट इट लाइक अबाउट 7-ish एंड नॉट मोर देन दैट, क्योंकि जो भी हो
प्रिंट तो अच्छा नहीं आ रहा जितना उनका आ रहा था, तो वो थोड़ा झूठा दिखा रहे हैं या फिर उनका ब्लीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट नो। बट या दिस इज हाउ माइन टर्नड आउट एंड आई थिंक इट्स ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट 7ish। अदरवाइज तो मैं लिटरली बिल्कुल ही काट देती नंबर, बट बिकॉज आई एम हैप्पी विद द टी शर्ट आई एम गोना गिव इट 7। सो द सेकंड हैक इज अ लिटिल इनोवेटिव जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इज कि वो बेसिक अपना एक कैनवस शूज जो होते हैं जो कपड़े के बने होते हैं वो लेती हैं, एक हाईलाइटर पेन लेती हैं, उसकी जो अंदर की फिलिंग और उसकी जो टिप होती है उसको निकाल के ब्लीच में डुबो के देन शी रिफिल्स इट, और उससे वो जो भी ड्रॉ करना चाहती है शूज पे ड्रॉ कर लेती है, उससे एक बहुत प्यारा प्रिंट निकल के आता है शू में। सो लेट्स सी हाउ दैट गोस। ओके गाइस, जो शू वाला हैक था, सच्ची बोलूंगी झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत ही डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो टिप होती है हाइलाइटर की वो बहुत मोटी है, और एक शू पे ड्रॉ करना अगर आपके हाथ आर्टिस्ट वाले नहीं हो ना तो बहुत मुश्किल, और मेरे हाथ आर्टिस्ट वाले नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया, हंसना मत देख के, बट हाँ कुछ इस तरीके का आया है। आई नो मैंने वैसे भी बहुत ही पुराना शू यूज़ किया था क्योंकि मुझे अपनी कला पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था, तो मैंने इसलिए पुराना शू यूज़ किया, और अब ये पुराना शू ले तो लिया है, और इसमें मैंने एक जहाँ पे बड़ी बड़ी जगह थी वहाँ मैंने ड्रॉ करा है, बट इतना क्लियर नहीं आया है जितना उनका आया। तो उन्होंने पिंक शू यूज़ किया था तो बहुत प्यारा लगा था, मैंने नेवी यूज़ किया तो मुझे लगा थोड़ा और अच्छा लगेगा, बट अपेरेंटली नहीं लग रहा। तो या दैट्स हाउ इट इज़, और मेरे डिज़ाइन की जो कलाकारी थी वो भी कोई खास नहीं लग रही, सो या दैट्स हाउ इट लुक्स इधर से साइड से और इधर से। अगर आपके अंदर कलाकार है तो आप भी जरूर ट्राई करें, बिकॉज ये है तो बहुत कूल आइडिया। और अगर आप हाइलाइटर पेन की जगह शार्पनर क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, स्केच पेन यूज करेंगे तो आपको और प्रिसाइज ड्राइंग कर पाएंगे, बट बिकॉज वीडियो में हाइलाइटर था तो मैंने हाइलाइटर यूज करा। आई एम गोना रेट इट लाइक अबाउट 8ish, क्योंकि उन्होंने हाइलाइटर दिखाया, हाईलाइटर से ड्रॉ करना मुश्किल है, तो इसलिए 2 पॉइंट में कम करी, बट अदर देन दैट इट्स अ गुड हैक। नेक्स्ट वन इज समथिंग जो मुझे बहुत ही अल्ट्रा यूनिक लगा, एंड द रीजन वाई आपको समझ में आ जाएगा, उसमें यह है कि वो बेसिक ब्लीच को फ्रीज कर लेती है और उससे आइस क्यूब्स बना लेती है उसके, एंड देन उसको एक क्रम्बल्ड कुछ टॉप में, आई मीन कुशन कवर पे वो ऐसे ऐसे रख देती है, और उससे बहुत प्यारा इफेक्ट निकल के आता है। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स, बिकॉज़ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। कुशन वाला जो कवर का हैक था वो ऑसम ब्लॉसम था, यू गाइस हैव सीन इट कि कितना प्यारा चेंज आ रहा था। गाइस सीरियसली वो जो बर्फ पिघल रहा था ना तो इतना प्यारा लुक आ रहा था, कुछ इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसमें निकल के आ रहे थे। मैंने ये निकाला था, मैं आपको ज्यादा नहीं बात करती, मैं आपको दिखा देती रिजल्ट क्या है, कितना प्यारा कलर है, जस्ट सी दिस कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये बेसिक इसका कलर जो है वो ये था, और इसमें थोड़े बहुत ब्लू कलर आए हैं, एंड देन रेस्ट ऑफ द प्लेस पे वाइट आया है, और ये काफ़ी प्यारा लगा मुझे। मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगा बिकॉज इसमें ब्लीच का लिक्विड फॉर्म नहीं यूज़ करना था, और अगर आपने ब्लीच का भी यूज़ पहले किया हो तो आपको पता होगा कि उसकी बहुत गंदी बदबू होती है, एंड पूरे कमरे में गंदी बदबू रखी, लाइक लिटरली सड़ गया था पूरा। बट ये फ्रीज फॉर्म में था तो इसलिए ये सारा का सारा उसमें डिजोल्व हुआ, रख के बस छोड़ने का काम था और कुछ नहीं था, और बिल्कुल रैंडम डिजाइन आया तो बहुत प्यारा लगा था। आई एम गोना रेट इट लाइक अबाउट 10/10, देयर इज नो वे कि मैं इसमें से कुछ रिड्यूस कर दूं, बिकॉज बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। फोर्थ वन इज अ टी शर्ट का ब्लीच हैक, जिसमें टी शर्ट आई मीन शर्ट का, उसमें बेसिकली वो एक शर्ट जो कि कॉटन होनी चाहिए ऑब्वियसली, उसको बिल्कुल ही ब्लीच में डिप कर देती है बॉटम से, एंड देन उससे एक अच्छा ग्रेडियंट सा फ्लो आता है। तो ऑल दो मुझे देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई इट, आई एम ट्राइंग इट फॉर यू गाइस, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। ओके, तो
जो ये वाला है अब हमारे सर पे कोई पत्थर मार रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ आज? मैंने बालकनी बंद कर दी, ड्रिलिंग बंद हुई, तो अब देखो तो हमारे सर पे कोई पत्थर मार रहे ऊपर। एनीवेज तो ये वाला जो शर्ट है वो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का था, मतलब लीड से पहले मैंने, इसलिए आपको इफेक्ट पहले नहीं देखा, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड शो इट टू यू फेस टू फेस। तो ये कुछ इस तरीके का शर्ट है, कॉटन में है, कॉटन ब्लेंड भी हो सकता है, बट या दिस इज हाउ इट इज, और इसमें चेक पैटर्न है, राइट? तो इसको उन लोग ने जब ब्लीच में डुबाया था तो बहुत प्यारा सा कलर तो नहीं आया था, बट मेरे को डाउट था कि मेरा ऐसा कैसे सेम आएगा कि नहीं आएगा। सो लेट्स जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल एंड यू विल सी कि क्या है। टाटा, ये खुला क्यों है ये मत पूछना, क्योंकि मेरे बटन्स मेरे कुकू ने काट के फेंक दिए हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी हद तक जो कलर का प्रिंट है वो जा चुका है। अगर मैं थोड़ा बेल्ट ऊपर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट सा फ्लो भी आ रहा है, बहुत प्यारा लुक है। अगर आपके पास कोई ऐसा पुराना सा ओल्ड शर्ट है जो आप स्टाइल करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, सो दिस हैक डेफिनेटली वर्क्स फॉर दैट। और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से बेल्ट के साथ स्टाइल करेंगे और यहाँ तक आप इसको चेंज कर देंगे इस तरीके से, तो बहुत कूल सा ग्रेडियंट लुक आता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बटन खुले रखे हैं, बटन है ना, तो उससे और भी अच्छा लुक आ रहा है। अगर इसको आप बंद करते तो इतना अच्छा लुक नहीं लगता, बट ये बिकॉज ऑफ दिस इट लुक्स प्रिटी डैम गुड। काफी प्यारा लगा, मैं हाथ भी करना चाह रही थी बट हमारे पास ब्लीच खत्म हो गया था, हम आउट ऑफ ब्लीच हो चुके थे चिंदियों की तरह, हम सिर्फ एक ही बॉटल लेके आए थे सोच के कि सारे ब्लीच का काम उसी में हो जाएगा, बट फिर ये सब मेरी बहन की गलती है, मेरी गलती नहीं है, इसको लेके आना चाहिए थे दो पर ये लेके नहीं आई, बट हाँ ये पैसे बचा रही थी वैसे, है ना। रेटेड लाइक 10/10 बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल। सो बेल्ट के बिना ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, बिकॉज मेरी बहन के हिसाब से बेल्ट के बिना अच्छा लग रहा है, समझे, शोइंग इट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, हम दोनों देखेंगे, कमेंट्स रीड करेंगे कि आपको बेल्ट के साथ अच्छा लग रहा है या बेल्ट के बिना। सो या बेल्ट के बिना, सो बेल्ट के बिना या बहुत, सो बेल्ट के बिना या बेल्ट के साथ, ओ मैंने कंप्लीट कर दिया। लास्ट हैक इज समथिंग जो कि उन्होंने एक टी शर्ट पर भी करके दिखाया हुआ है और लेगिंग्स पे भी, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई इट ऑन लेगिंग्स। सो बेसिकली शी टेक्स दिस लेगिंग्स और उसको ना इस तरीके से ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे 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 पैक करती जाती है, एंड देन उसके बाद उसको एक कार्डबोर्ड से बांध के उसको ब्लीच में तीनों साइड से डिप कर देती है, और उससे काफ़ी अच्छा एब्स्ट्रैक्ट सा प्रिंट आता है विद द ब्लीच। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज, बिकॉज आई एम रियली वरीड कि शायद लेगिंग खराब भी हो सकती है, बिकॉज आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस। सो लेट्स सी। नेक्स्ट हैक है लेगिंग्स वाला, जो मैं बहुत एम्बेरेस्ड हूँ दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं बहुत धीरे से पहले बता देना चाहती हूँ कि आप ये ग्रोस अलर्ट भी हो सकता है आपके लिए, आप ट्रिगर भी हो सकते हैं इसको देख के, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन एडवांस, अगर आपको ये नहीं देखना तो आप प्लीज स्किप कर सकते हैं। बट या हम इसका भी कैमरे को नीचे करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भैया मेरी लेगिंग्स का क्या हाल हुआ है। जा रहे हैं हम नीचे, उफ 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 उफ, अच्छा दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ इट केम आउट। आपको ऑब्वियसली बात है पैरों को देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इट्स एनी वे बैड, हल्का ही नीचे के पार्ट्स पे तो लाइक थोड़ा सा वाइटिश और थोड़ा ग्रे ब्राउनिश ही लुक आया है, हल्का सा बिल्कुल, है ना। बट देन व्हेन वी गो ऊपर, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, बट देन व्हेन वी गो ऊपर तो इसके, हाँ तो जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, बट देन यहाँ पे थोड़ा, जो मैं नहीं दिखाना चाह रही, यहाँ पे थोड़ा गंदा सा कलर हो गया, लाइक येलोइश कलर आ रहा है। ऑल दो कैमरे पे एक्चुअल में बुरा नहीं लग रहा है बिकॉज लाइटिंग्स की वजह से, बट रियल में काफ़ी बुरा लग रहा है। सो या दैट्स हाउ इट इज़, और ये कुछ इस तरीके से निकल के आया। प्लीज़ कैमरा ऊपर करें, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आया है। इसमें दो चार प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो ये है कि कपड़े की जो इंटर कलर्स है, तो अंदर जो कलर्स थे उसमें से ब्राउन निकल के आ रहा है, ये हो सकती है पॉसिबली। और हमने जो कार्डबोर्ड लगाया था, कार्डबोर्ड भी अपना गंदा सा ब्राउन कलर लीक कर रहा था कपड़े पे, ऑल्दो उन्होंने भी कार्डबोर्ड लगाया, उनके नहीं हुआ, बट हमारे हो रहा था, मुझे ऐसा लगा। सो कुड बी बिकॉज ऑफ दैट एज वेल कि उसका ब्राउन कलर लीक हुआ हो, इस वजह से इसके वाइट पोर्शंस पे जाके ब्राउन कलर भी थोड़ी बहुत लग गई हो। एंड स्पेशली इसमें सबसे बुरी चीज़ ये है कि जहाँ पे कैमेल्टो आता है वहीं पे सबसे ज्यादा ब्राउन कलर आया है, जो आपको वीडियो में दिखाई होगा। आई एम गोना रेट इट लाइक अबाउट 6-7ish, बिकॉज टेक्निक तो बहुत अच्छी है, ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल करके बहुत ही अच्छा, जैसे पैरों पे बहुत अच्छा लुक आता है। हाँ तो पैरों पे बहुत
अच्छा लुक आता है ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल सा, वो बहुत प्यारा लगा मुझे, बट ऊपर आते आते इट्स लाइक बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया, सो दैट्स समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक, बट बाकी सब अच्छा है, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली ट्राई इट एंड या सिक्सिश है। ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे गंदा गंदा सा कलर आया है बम पे भी, तो जहाँ पे गंदा नहीं आना चाहिए वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पोटी कर दी हो, मेरे पैंट पे ऐसा सर कलर आ रहा है, कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा, पर मैंने नहीं करी है यहाँ, मैंने डेफिनेटली नहीं करी है। दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट, आई एब्सोल्युटली लव ट्राइंग ऑल दी हैक्स एंड दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। अगर इस वीडियो को आप 10,000 लाइक्स, 10,000 बहुत ज्यादा हो गया, 5,000 काफी। So, अगर आप इस वीडियो को 5,000 लाइक्स तक पहुंचा देंगे तो आई डेफिनेटली ट्राई मोर ब्लीच हैक्स फॉर यू गाइस। सो या मेक श्योर दैट आप इसको लाइक करें वीडियो को, बहुत मेहनत करिए यार, ब्लीच के बदबू को सहना बहुत मुश्किल काम है, और सही में आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, अगर आप ब्लीच की बदबू में लिटरली बंद कमरे में बैठ सके ना तो आप, मैं मान जाऊंगी आपको, बट ब्लीच की बदबू बहुत ही बुरी होती है, बहुत ही गंदी सड़ी सी उल्टी जैसी बदबू थी, तो उसमें बैठ के किया है तो प्लीज इस वीडियो को उसी चक्कर में लाइक कर देना डेफिनेटली, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, यार चलता है, दोस्त बुरा नहीं मानते, दोस्तों से शेयर कर देना एंड या मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो कि आपको इनमें से कौन सा वीडियो, कौन सा वाला जो ब्लीच हैक था सबसे बेस्ट लगा और आप कौन सा ट्राई करने वाले, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बिकॉज इट्स गोना बी अ हेल लॉट ऑफ अ वीक एंड आई विल बी पोस्टिंग 4 वीडियोस इन दिस वीक इटसेल्फ, इट्स गोना बी एवरी ऑल्टरनेट डेज, लाइक अगर मैं संडे को पोस्ट कर रही हूं पहला तो नेक्स्ट ट्यूजडे को होगा एंड जस्ट लाइक दैट हर दूसरे दिन मेरा न्यू वीडियो आने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब राइट नाउ, सब्सक्राइब राइट नाउ एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज दैट इज द वोक डॉल एंड नाउ सी माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय। आपको कुकू पसंद आती है तो मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन गाइस और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, सो या अब हम चलते हैं, बाय, लव यू।